मकान के बाहर सो रहे युवक पर हुआ कातिलाना हमला, सर व चेहरे पर किए गए गंभीर घाव। दुकान के बाहर सो रहे दीपक पुत्र राकेश की अपनी चाय नाश्ते की दुकान थी। वहीं चोरों के डर से दुकान की रखवाली के लिए दीपक दुकान के बाहर सोते थे, लेकिन बीती रात कुछ लोगों के द्वारा दुकान के बाहर सो रहे युवक पर जानलेवा हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं बेहोश होने पर हमला करने वाले लोगों ने दीपक को मृत समझकर मौके से भाग निकले, लेकिन होश में आने के बाद दीपक के द्वारा किसी तरह से घायल अवस्था में परिजनों ने देखा तो आनन फानन में दुकान के बगल ही पुलिस चौकी पर ले गए और वहां से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब तक परिजनों के द्वारा बारा थाने में दी गई तहरीर में गांव के ही 6 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकता दर्ज कराने हेतु लिखित शिकायत की है, जिसमें परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध धारा 147-308 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज बारा से संवाददाता मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। जे के साथ जो घटना घटी है, ये किस तरीके घटना घटी है? अब घटना घटी, यहाँ सो रहा था रात में, अब रात में ये लगभग 2-3 के बीच में घटना हुई है। 4:30 बजे मालूम हुआ, 4:45 बजे लगभग। तो ये भतीजा आपका यही दुकान पर ही रहता था? दुकान रहता था। तो आप लोगों को जानकारी हुई तो आप लोगों ने इसके बाद क्या कार्रवाई की? स्थानीय पुलिस को सूचना दी या इलाज के लिए? नहीं, जानकारी हुई, पुलिस को सूचना दिया, पुलिस साथ में आई, पुलिस साथ में लेकर अस्पताल गई, हम लोग थाने गए रिपोर्ट करने। यहाँ से पुलिस चौकी कितनी दूर है? चौकी यहाँ से लगभग मान चलिए कि 50 मीटर। तो 100 मीटर पहले यहाँ घटना घटे, पुलिस घटना घटी है, ये किस तरीके घटना घटी है? ये अचानक घटना घटी है, और जो मेरा भाई दुकान पर सो रहा था, हम लोग सब लोग घर पे थे, जब सुबह रात में मेरे भाई को मारा गया, जब सुबह मेरा भाई होश में आया, उल्टी किया बगल में खून की, उसके बाद वो घर गया, घर जाते जाते लड़खड़ा के गिर गया। उसके बाद हम लोग उसको तुरंत तत्काल उठाए और तुरंत गाड़ी बुला दे, बगल में चौकी थी, चौकी ले गए, चौकी के एक सिपाही बैठा, तुरंत तत्काल ले गया उनको इलाहाबाद। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ थाने पर अप्लीकेशन दिया, तहरीर दी। तो तहरीर में आपने नामजद किया है या नामजद किया है? कितने लोगों को? 5 लोगों का। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के बगल के हमारे। क्या नाम है? उनका नाम है रमेश तिवारी, उनके 4-5 बच्चे हैं। तो संदेह के दायरे में किया है या फिर आप लोगों ने तो देखा या कोई विवाद था उनसे? देखे नहीं थे, विवाद चल रहा था, हम लोगों का लगभग 5-6 साल पुराना विवाद है, 7 साल पुराना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप अग्रहरी। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार TV पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।